राइट एंड फैमिली ऑफ यू आर वेलकम गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजी थ्रॉटल। सो अभी हमारे सामने खड़ी है रेडर 125 वाकांडा एडिशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही सुपर स्क्वाड एडिशन, वाकांडा एडिशन। भाई कैसी लग रही है भाई? फर्स्ट लुक जरूर बताना इसका कैसा है भाई इम्प्रेशन। तो भाई जो चीज़ें मैं नोटिस कर पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा मेजर, वो है इसका पहली बात तो ग्राफिक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैच भी मिला है वाकांडा, मतलब वही ब्लैक पैंथर वाला। तो ये है कुछ भाई यहाँ इसका लुक। तो ऑल ओवर भाई मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा गाड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत ज़्यादा गाड़ी इतनी अमेजिंग लग रही है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेम इसके फीचर्स की, तो फीचर्स रहने वाले हैं इसमें बिल्कुल सेम। 125cc का आपको इंजन मिलता है, वही पूरी आपको डिजिटल कलर डिस्प्ले मिलती है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, सब चीज़ इसमें आपको डिजिटल मिलने वाला है। और एवरेज की बात करें तो इसमें आपको 50 का एवरेज आराम से मिल जाएगा। और सबसे बेसिक, जैसा बेसिक नहीं कहूँगा, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इसकी ग्राफिक। इसकी ग्राफिक की वजह से इसके भाई पैसे थोड़े बहुत इंक्रीज़ हुए हैं, जो भी प्राइसेस हैं ये मैं अपनी वीडियो में डालता जाऊँगा नीचे। तो ये है कुछ यहाँ की ग्राफिक। और मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि सीट्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे गए हैं। सीट की जो यह कवर है ये भी काफ़ी चेंज है। और यहाँ पे एवेंजर्स का एक बैच भी दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, मतलब एक एक छोटी छोटी डिटेल पर काम करा गया है। बाकी जो भी चीज़ें हैं सेम आपको मिलती है, सामने DRL मिल जाती हैं, डे टाइम रनिंग LED। और इसके जो हम टायर सेक्शंस की बात करें, आगे आपको मिलता है 80 100 मिलता है, और पीछे आपको मेरे ख्याल से मिल जाता है 110 के अराउंड। तो और ये ट्यूबलेस टायर्स हैं सारे, दोनों 5 गियर्स मिल जाएंगे इसमें आपको, लेडीज़ फुटरेस्ट और सारी गार्ड भी आपको मिलेगा, सारी एसेसरीज में मिलेंगी। और ये था भाई कुछ यहाँ इसका रिव्यू। और बढ़िया भाई, बढ़िया लग रही है यार ये रेडर, और बाकी के मुकाबले ये वाली रेडर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है भाई। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लग रही है ये रेडर। और अभी हम खड़े हैं श्री बालाजी मोटर्स पर, TVS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री बालाजी मोटर्स TVS नकटिया पर ये पड़ता है शोरूम, मेन नकटिया पर ही है ये। और ये है भाई कुछ यहाँ की रेडर। बस भाई देखो, जो भी इसके पैसे बढ़ते हैं ना वो इसकी ग्राफिक की वजह से ही बढ़े हैं। वेल अगर ग्राफिक की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया वर्क करा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फिनिशिंग भाई दी गई है, एक अलग सा भाई लुक मिल रहा है। 66 रेसिंग नंबर भी भाई दे रखा है, बढ़िया आया। ये है भाई कुछ लुक इसका, बाकी फीचर वगैरह सब कुछ सेम ही है इसमें, और कोई मैं सोचता नहीं है ज़्यादा बताने वाली चीज़ है। अच्छा, इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर मिलता है, मैं जो सोचता हूँ इसमें फिर बल्ब इंडिकेटर बदल के और थोड़े से LED टाइप देने चाहिए थे। बाकी आपको पता ही है इसमें पावर मोड है और इको मोड है, तो आप इजीली अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो पावर मोड पर आप स्विच कर सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल चलाना है, एवरेज निकालना है तो इको मोड पर आप स्विच कर सकते हैं। बाकी इसके डिस्प्ले की हम बात करें, यहाँ पे आपको सेट बटन मिल जाता है, यहाँ पे मोड बटन मिल जाता है। तो मोड से क्या चीज़ चेंज होता है? ओके, तो यहाँ पे आप अपना ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हैं, रेंज देख सकते हैं, एवरेज देख सकते हैं, और बाकी सेट बटन से तो आप अपने टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये है भाई कुछ रेडर 125 वाकांडा एडिशन और सुपर स्क्वाड एडिशन का रिव्यू। तो ज़रूर बताना भाई कमेंट में कैसा लगा आप लोग को। बाकी भाई ये थी आज की कुछ छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ट्यून्ड विद मी MG थ्रॉटल।